मध्य प्रदेश का शहडोल शहर है, संभागीय मुख्यालय व जिला मुख्यालय से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर का हृदय स्थल कहा जाने वाला ये नया गांधी चौक है। जैसे कि आप जो है पूज्य महात्मा गांधी जी की ये प्रतिमा आपको दिखलाई पड़ रही है, सुबह के लगभग जो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, 4:15 के टाइम हुए हैं। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इसी समाज में रहने वाले ऐसे विभिन्न गरीब तबके के लोग रहते हैं, जब सारा शहर सो जाता है, जिस वक्त सारी जो है दुकानें बंद हो जाती हैं, उस वक्त जो है कूड़े में करकट में अपने भोजन की तलाश में, अपने जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसे प्लास्टिक है कूड़ा करकट में कुछ चीजों को ढूंढने के लिए इसी समाज में रहने वाले गरीब तबके के लोग जब यहाँ से निकलते हैं और आखिरकार वो कैसे अपने जीविका के साधन के लिए क्या क्या चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, आइए मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फास्ट आएंगे, मैं चाहूंगा आप जैसे सीधी तस्वीर देखिए, ये हृदय स्थल कहा जाने वाला ये गांधी चौक है। हम जब यहाँ से कुछ पत्रकार बंधुओं के साथ में भ्रमण करते हुए जब यहाँ से निकल रहे थे अपने कुछ काम से, जब घर की ओर हम वापस लौट रहे थे, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अभी जो है सहयोगी पत्रकार के रूप में जिन्होंने अपने हाथ में जो है कैमरा रखा हुआ है, विनय केवट जी हैं, जो कि भाजपा जिला मीडिया के प्रभारी हैं और साथ में एक संवेदनशील पत्रकार भी हैं, और मेरे साथ में सहयोगी पत्रकार के रूप में जो है जुनैद खान जी भी साथ में हैं, जो कि पत्रकार विकास परिषद के जो है प्रदेश सचिव है, और मैं स्वयं जो है जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखलाई पड़ रही है, आप देखिए आप यहाँ पे दो महिलाएं खड़े हैं और एक युवा साथी भी खड़ा हुआ है इनके साथ में। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार अपने जीविकोपार्जन के लिए ये सुबह 4 बजे से 2 बजे रात से 3 बजे रात से क्या क्या चीज ढूंढने की ये कोशिश करते रहते हैं। आइए हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबाई बसोर। कहाँ रहती है? मंदन हार्डवेयर के सामने बुढ़ार रोड। ये क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग कूड़े करकट में? ये पुट्ठा कबार बीन रहे हैं, देखो ये कोई चारा नहीं है भाई, तो हम अपना कर लेते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बाल बच्चा चलाते हैं अपना घर, छोटी से झोपड़िया है घर में रहते हैं, एक लड़की है दो लड़के हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आप लोग को मिल जाती, क्या क्या भी आप बीने? बस यही बीने हैं, पुट्ठा जो है। हाँ, और ये बीने हैं बस। अच्छा, ये बॉटल है ये? हाँ, इसी में हम पेट चला। दोस्तों आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, जैसे कि इनका कहना है ये पुट्ठे, ये आप देख सकते हैं पानी का ये बोतल जो है। भला आप बताइए कि समाज में हम निवास करने वाले लोग जब किसी भी प्रकार से यूजफुल नहीं है जो चीजों को, हम जब ऐसे साइड में या कूड़ेदान की बात करें या सड़क की और जो है तमाम किनारों की बात करें, जो हमारे अनुपयोगी चीजें होती है जब उन्हें हम फेंक देते हैं, तो सोचिए उन अनुपयोगी चीजों से उन्हें उपयोग में लाने के दौरान ये गरीब तबके के लोग अपने जीविकापार्जन के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये कार्य करते हैं। और जब हम और आप और सारा शहर समाज जब सो जाता है, खास तौर पर रात्रि के वक्त, ये अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ है, लगभग सुबह के 4 बजे हैं, ये कैसे कैसे कार्य करके अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी रात ये भटकते रहते हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, वैसे तो मैं बात करूं नगरपालिका नगरी प्रशासन की, बात करें वहां के तमाम कर्मचारी अधिकारियों की ओर से जिनकी जिनकी एक ड्यूटी लगाई जाती है, उनके द्वारा जो है शहर के चहुमुखी विकास के अलावा स्वच्छता अभियान को भी ध्यान में रखते हुए निसंदेह बेहतर कार्य किया जाता है। और ऐसे में जब इन लोगों के द्वारा तमाम चीजों को ढूंढ करके अपने जीविकोपार्जन के लिए इकट्ठा की जाती है मह 2-4 पैसे के लिए, ये वाकई में एक सोचने का विषय है। और इनके माध्यम से जो है भारत स्वच्छता अभियान की बात करें तो उसमें भी इनका भरपूर सहयोग हो जाता है। एक युवा और खड़े हैं, ये लीजिए आप बॉटल रखिए अपना जो है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ बातों को, हो सकता है ये साझा हमसे करें। क्या रखे हो आप अपने इसमें? पुट्ठा है, प्लास्टिक है सर। दिखाइए थोड़ा सा कौन कौन सा पुट्ठा आप रखे हैं, कितनी मात्रा में रखे हैं? ये पुट्ठे हैं आपके पास में, ये देखिए, ये युवा जो है खड़ा है, ये भी जो है पुट्ठे का जो है ढेर इसमें रखा हुआ है। अब भला बताएं कि ये पुट्ठे जो है बेच करके ये कितनी जो है इनकम अर्जित कर लेते होंगे? ये कितना पुट्ठा आप बेच लेते हो रोजाना जो है? करीब होगा 150, ज्यादा नहीं जी। और कितने बजे से निकलते हैं घर से? ये 4 बजे से निकलते हैं सर, 6 बजे 7 बजे तक। 4 बजे निकलते हैं तो अभी तो 4:15 का टाइम हुआ है, तो घर से निकले होंगे तो 3:30 बजे। हाँ, 3:30 बजे निकलते हैं, तो 2.5 घंटे यही करते हैं? यही करते हैं। कितने लोगों का आप लोगों का समूह और रहता है? और हैं, फिर बाद में आते हैं सर।
अच्छा, ये महिला जो थी साथ में आपके परिवार की ही है? बगल के हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? ये लगभग सर हम लोग कर रहे हैं 2-3 साल हो गए हमको। अच्छा, आप लोग का एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें बनी, राशन कार्ड वगैरह? मेरा नहीं है सर, मेरा क्या की रहा सब, पर क्या की जला दिया गया। एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं इसे रिपोर्ट करने गया था तो जला दिए थे। कौन ने जला दिया था? अब हो गया, कोई जला दी, अब चाहे वही लोग जला दिए हो। अच्छा, हाँ। चलिए, प्रमुखता से इनकी समस्याओं को भी संज्ञान में लिया जाए। संबंधित विभाग से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, लेकिन निस्संदेह हम जिस मुहिम को लेकर के भ्रमण करते हुए जब यहाँ पे कुछ पत्रकार यहाँ पहुंचे और इनकी जो है इस बेहतर से कार्य को देखे तो वाकई में क्या बोल रहे हैं, छोट छोट झोपड़ी है तो घर नहीं बनने देते हैं। आया एक बार 25-30 हजार शुरू में, तो यह वकील फारू हमारा घर नहीं बनने दिया, तो हम पन्नी वाले में रहते हैं। क्यों बनने नहीं दिए घर? बोलता है मेरा जगह है, तो आज भी नहीं बन रहा। हमारे मोहल्ले में किसी का घर नहीं बन रहा। शिकायत नहीं की अधिकारियों से? कार्य मगर वो अड़ंगा डाल देता है, बोलता है मेरा है, तो हमारा मोहल्ले में घर ही नहीं बनने देता। आपने शिकायत की इस चीज? अरे अब इतना ध्यान नहीं है सर, पढ़े लिखे। हाँ, वहाँ पता है किसके पास गए थे? उसके यहाँ भी गए कि हमारा घर बनने दो, तो बोले थे नहीं बनने दूंगा। फारू वकील नाम है उसका, मुसलमान है जात का, बोलता है मेरा नाना का है, मेरा दादा पुरखा का जगह है, तो हमारे मोहल्ले में घर ही नहीं बनने देता। हमारे मोहल्ले में आके देखिए ना सुबह आके कि कैसे हमारा घर। 100 साल ज्यादा हो गया होगा, 100 साल से ज्यादा हो गया। हमारे दादा परदादा जो है वो रहे हैं, तब से हम लोग मतलब वहाँ पर रह रहे हैं, और आज भी हमको अपने जगह में मतलब कुछ बनाने का अधिकार नहीं है। हमारा मेरा भी घर मान लीजिए कैसे टूटा फूटा है। नाम, पूरा नाम बताइए। अनिल वंशकार। अनिल वंशकार। पिता का नाम? पिता रामू वंशकार। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 26 और 19 पहले रहा। आप दोनों वहीं पर रहते हैं जो ये बता रहे हैं? सामने बिल्कुल रोड। चलिए, हमने निवेदन किया संबंधित अधिकारियों से और पुनः एक बार फिर से हम जो है करबद्ध प्रार्थना निवेदन करते हैं कि ऐसे से बहरहाल गरीबों की हम बात करें जिनके माध्यम से रात्रि में जो है लगभग 2-3 बजे से उठ करके सुबह के 5-6 बजे तक ये ऐसे से कार्य करके अपने जीविकोपार्जन के लिए भटकते रहते हैं। निसंदेह जो है इनकी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, इसको संज्ञान में रखा जाए और जो है त्वरित जो है इन गरीबों का जो है समाधान किया जाए। देखिए, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये गांधी चौराहा का ये नज़ारा है और यहाँ पे जो है आवागमन जो है लोगों का चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ वाहन चालक भी निकल रहे हैं। ये देखिए, एक महिला यहाँ पे माता जी भी यहाँ खड़ी हुई है और ये भी जो है कोई कुछ चीज जो है इन कचरों के ढेर में ढूंढने की कोशिश कर रही है। आइए इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है माता जी? सेम काली। पास में आइए और थोड़ा सा। क्या नाम है? सेम काली। कहाँ रहती हैं? आई है मदन हाट बियर के सामने। ये आप अभी सुबह अभी 3:30-4 बजे क्या ढूंढ रही है कचरे में? पुट्ठा प्लास्टिक की बाटल वोटल लेके ढूंढती हूँ। क्या करते हैं फिर इसका आप लोग? बिकती है बाल बच्चे के लिए, पालने के लिए। कितना कमा लेते हैं रोज? अरे हो गया 10-50 सौ मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? आज बहुत दिनों से हो गया है। अच्छा, कितने साल हो गए फिर? अब 6-7 साल हो गया, आदमी है नहीं है, अपन कर रहे हैं, क्या करी। बीपीएल, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीजें बनी? हाँ, बनी है सर। तो शासन का जो भी लाभ है मिलता है? हाँ, राशन और सर मिलता है, सारी चीजें मिलती है। हाँ। ठीक है, अभी क्या क्या अभी इसमें रखे हैं? पुट्ठा वगैरह रखे हैं? हाँ, पुट्ठा रखी है, बाटल रखी है, यही रखे हैं। अच्छा, प्लास्टिक वगैरह सारी चीजें मिलती है? ये बाटल वोटल रखी है, इसके बिनती। चलिए ठीक है, आप अपना काम करिए आप, ठीक है ना। बहरहाल ये नजारा आपको हमने दिखाया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक दो महिलाओं से हमने आपको और भी वाकिफ कराया। अच्छा, वो अभी बहना योजना वाला जो है, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी 1000 रुपए वाला, तो उसका क्या आपको जानकारी है कुछ की नहीं? जानकारी नहीं है, इसी पता चला रहा, मगर लिखे वाले आ रहे हैं तो लिखा दिखाते तुमको ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तुम विधवा पेंशन पाते हो तो तुमको ना मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो आपने और बड़े अधिकारियों से नहीं कहा कि हमारी भी पात्रता बनती है तो मिलना चाहिए? अब तो नहीं गए ना सर, कोई लगे अब हमारे तो जानकारी नहीं रहा कोई की पास। क्या नाम बताइए, एक बार और बताइए? सेम काली। और वार्ड क्या है? यार बताई ना भाई, वही वाला वार्ड है। हाँ, बहरहाल देखिए, इन्हें जानकारी का अभाव तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जानकारी का यदि अभाव इन्हें होता तो निश्चित तौर पर अपनी समस्या को लेकर के ये जो है किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के पास, जैसे ये बता रही हैं,
इन्हें नाम नहीं पता लेकिन गई हैं जरूर बता रही हैं। जिस हिसाब से इनके पहले हमने जिन युवा से और महिला से बात हमने की, उन्होंने अपना जो एड्रेस बताया वहीं पर ये भी महिला जो है निवास करती हैं। संबंधित जनों से पुनः एक बार फिर से अंतिम में मैं निवेदन आग्रह प्रार्थना करता हूँ इन ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोगों को, जो कि आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अर्ध रात्रि या फिर मैं कहूँ ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के अपने जीविकोपार्जन के लिए महज आप देख सकते हैं छोटे मोटे टुकड़े जो कि रखे हुए हैं, प्लास्टिक रखे हुए हैं, इसमें जो है पुट्ठे कागज रखे हुए हैं। भला आप सोचिए कि जिन अनुपयोगी चीजों को हम सड़क के किनारे या डस्टबिन में फेंक देते हैं उस दौरान उनको ही अपने उपयोग का जो है मटेरियल बना करके सिर्फ और सिर्फ साहब इस पेट की भूख को शांत कराने के लिए ऐसे से कार्य के लिए अपने जीवन के संघर्ष को जो है जारी रखते हैं। ठीक है माता जी, आप अपना काम करिए। ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक ऐसा जो है कार है, एक ऐसा नजारा है जिसे देख करके वाकई में एक जो है दया भावना की भी बात आती है, एक जो है सहानुभूति की भी बात आती है। निश्चित ही जो है अपने अपने पेट का ज्वाला शांत करने के लिए, अग्नि शांत करने के लिए समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की बात करें, परिवार की बात करें, किसी न किसी प्रकार से अपने अपने जीवन का संघर्ष वो करते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको सीधी तस्वीर दिखाई थी कि हमारे शहडोल के जाबाज पुलिस की यदि हम बात करें, वाकई में 24 आवर्स जो है अपनी अपनी सेवा का ये प्रमाण देते रहते हैं। हमने इससे पहले जो है खाकी की जनसेवा का प्रमाण जो है किसी न किसी माध्यम से आपको हमने दिखाया, चाहे तो हम जो है उनके द्वारा जो है आरोपियों की, अपराधियों की धरपकड़ की बात करें, या फिर हम जो है यातायात सुरक्षा को लेकर के उन जवानों की बात करें यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुहिम है, तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको सर्राखों पर रखते हुए जो है खाकी के जवानों के द्वारा जो है अपने कार्य का एक बेहतर सूझबूझ प्रमाण दिया जाता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक खाकी की जवान यहाँ पर और भी उपस्थित है। आइए हम थोड़ा सा दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शहर में कहाँ कहाँ का भ्रमण करने के बाद पल दो पल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नया गांधी चौरा में खड़े हैं। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मेरा नाम आरक्षक कुलदीप सिंह है, थाना कोतवाली में पदस्थ हूँ। रात्रि गश्त में हम रवाना हुए हैं 10 बजे से। कैरी ऑन सर, चीता टू। चलिए निश्चित ही हमसे वो बात करेंगे, लेकिन जी हम राजा सर न्यू गांधी चौक पे हैं सर। तो पूरी रात्रि की अभी सेवाएं हैं आप लोग? हाँ, अभी 6 बजे तक सेवा चलेगी। और भी स्टाफ आपके साथ होंगे? हाँ, अभी 4 चीता चल रहे हैं 1 2 3 4 करके, तो अलग अलग बीट में सब भ्रमण कर रहे हैं। कैसा लगता है शहर का भ्रमण करने के बाद? अच्छा लगता है, थोड़ा शांत माहौल है, अपना अच्छा शहर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ा बहुत जो गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती है तो देखना पड़ता है कहाँ से कैसे आ रही है। पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद किसी प्रकार से कोई संदिग्ध ऐसा कोई संवेदनशील ऐसा कोई स्थान? नहीं, अभी तक तो नहीं। वही रोज वाले हैं जो कचरा बिलने वाले, यही सब मिलते हैं। बाकी सफर करने वाले जो स्टेशन जाते हैं, बस स्टाफ जाते हैं, यही सब लोग मिल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत थैंक्स आपको और दिल से बिल्कुल जो है जय हिंद आपको। लेकिन निश्चित ही जो है ऐसी बेहतर बेहतर तस्वीरें जब हमें अपने समाज के इर्द गिर्द दिखलाई पड़ती हैं तो निश्चित ही जो है हमारे भी दिलों में, समाज के हर एक लोगों के दिलों में एक जोश तो बनता ही बनता है। और यदि जो है हमारा ये प्रयास आपको यदि बेहतर लगा हो तो क्या करना है ये आप बेहतर तरीके से जानते ही जानते हैं। जरा सा पल दो पल के लिए समय निकाल करके ऐसे जाबाजों के लिए और खास तौर पर समाज में रहने वाले उन गरीब तबकों के लोगों के लिए मैं बात करूं तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करके अपनी राय आप जो है जरूर दीजिएगा। ऐसे में जो है इनका भी मनोबल बढ़ेगा और निश्चित ही हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा ताकि विभिन्न प्रकार के मुद्दों की हम बात करें, विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स की बात करें, हम आप सभी के बीच में उन मुद्दों को ला करके निश्चित ही दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। संभागी और जिला मुख्यालय शहडोल से महज लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे हृदय स्थल कहा जाने वाला ये गांधी चौराहा है। इस परिसर से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी उना की तरफ फिर से एक बार तहे दिल से जय हिंद जय भारत।